फिर से कह रहा हूं, जिस समय हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, निराश होते हैं, तो अंदर अंदर एक काम करते रहते हैं, क्या? किसी न किसी को दोष देते रहते हैं। और दोष देकर के हम दूसरे ढंग से कहें तो उनसे लड़ते भी रहते हैं अंदर अंदर। अब क्या होता है, जो है उसको स्वीकारते नहीं। हर आदमी, कोई भी, मैं भी, ये देखिए यूनिवर्सल नियम है। ऐसा नहीं है कि ये श्रोताओं के लिए है, वक्ताओं के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए है, साधु के लिए नहीं है। साधु और गृहस्थ कोई अलग अलग नहीं है, मनुष्य तो वही है, मनुष्य तो वही है। केवल कपड़ा बदल लेने से कोई अंतर बहुत नहीं पड़ गया है, नहीं पड़ गया है। क्यों? सबके पास शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, और वही बाहर का संसार है। जिस संसार में अन्य लोग रहते हैं वही साधु संग ही रहते हैं, वही सब देखना सुनना, वही सब खाना पीना, सब कुछ सेम है। अंतर कहां हो जाता है? अंतर होता है संसार से जो हम लेते हैं, जो हम लेते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वो अलग अलग होता है। बस वो अलग अलग होता है। इसी संसार में रहकर बहुत से लोग हैं जो इस संसार से दुख ले रहे हैं। ऐसा कुछ ले रहे हैं संसार से कि वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन इसी संसार में रहकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मैं इसको सर्वधर्म से बताया करता हूं। अभी यहां जब बैठे हैं ना, वहां टेलीविजन की तरंग है, टेलीविजन की तरंग है ना, या आपके मोबाइल में एफएम बैंड है, तो एफएम की भी तरंगे हैं, एफएम की भी तरंगे हैं। लेकिन हम टेलीविजन के बहुत से चैनल इस समय चल रहे हैं और चारों तरफ फैले हैं। आप उसे ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं? इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसके माध्यम से आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं। कहीं से ट्रांसमिट हो रहा है, अब आप रिसीव कर लेते हैं एक यंत्र के माध्यम से। अब उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम आ रहे हैं, कई प्रकार के गीत आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, और हमें एक स्वतंत्रता तो है चैनल बदलने की, बैंड बदलने की, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उसी चैनल को चलाएंगे जिसमें लड़ाई झगड़ा वाला हो, मारकाट वाला हो, छल कपट वाला हो, धोखाधड़ी वाला हो, गलत वाला। क्या एक दूसरा चैनल चला करके आप खुशियों वाला नहीं दृश्य देख सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ फैले हो तरंगे। गीत ही है, अच्छे अच्छे गीत आ रहे हैं, और ऐसे कितनी गीत आ रहे हैं जिसको आप सुनेंगे आप दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। तो आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही संसार की जो, संसार में जो घटनाएं घट रही है, जो परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, वो सबसे हमें वही ग्रहण करना है जो सचमुच हमें चाहिए। बड़ा सरल ग्रहण। आप लोग शादी में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो ज्यादातर आजकल तो स्थिति क्या है कि अब वो काउंटर बन जाता है भोजन का, बुफे सिस्टम, जैसे हम लोग भी अब नीचे करते हैं। पहले बैठा कर खिलाते थे, लोगों ने शिकायत की क्या ऐसा बैठा कर खिलाते, कहां पहुंचता है, कहां नहीं। अरे लोग आया करें, लाइन लगा करके लिया करें,
तो यहाँ तो नहीं लगा लेना, लेकिन कई जगह ऐसा होता क्या है, बहुत से ऐसे काउंटर बने होते हैं, 10, 20, 40, 50 प्रकार के आइटम होते हैं। अब क्या करते हैं, अपने हाथ से लेना होता है वहां, क्या देखते हैं मेरे लाइक क्या है कि नहीं, मेरे लाइक क्या है, उसमें से सब भोजन आप थोड़ा थोड़ा एक चम्मच भी लेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, जो आपको पसंद के, आप पसंद का मतलब है जो आपके लिए नुकसान न करे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो आपके स्वाद के लिए अनुकूल हो, उन्हीं भोजन को लेंगे और बाकी को आप छोड़ देंगे। कपड़े की दुकान में जाते हैं तो जितना उसके पास दुकानदार के पसंद, सब ले लेते हैं क्या, कौन सा लेते हैं जो आपके पसंद का होता है। कोई भी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार बहुत सारा सामान रखा होता है, कौन सा सामान लेते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है नहीं, और बाकी को छोड़ देते हैं। अब दुकानदार से शिकायत करते क्या, बाकी सामान आप क्यों रखे हो जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं क्या, बाकी सामान आप क्यों रखे हो जो मुझे नहीं चाहिए, क्यों रखे हो, नहीं रखना चाहिए आपको, ये तो गलत है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, किसी भी दुकान में जाए तो भोजन जब कहेंगे भाई ये एक्स्ट्रा भोजन कहा के बना रखे हो जो खराब करने वाला है, आपको करता है ना नुकसान, दूसरे को कैसा करता है, वो ले लेगा, आप उसको छोड़ दीजिए बस। ऐसे ही दुनिया में बहुत सी घटनाएं हो रही, बहुत से लोग हैं जो आपके अनुकूल नहीं कर रहे हैं, आपके अनुसार घटना घट नहीं ले रही है, लेकिन आप ढूंढेंगे आपके अनुसार मिल जाएंगे। आप सुखी होना चाहते हैं ना, तो सुख वाले संसाधन मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं दोष देने की, कोई जरूरत नहीं शिकायत करने की। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, हम पहले दुखी होते हैं उसके बाद में दोष देना शुरू करते हैं, सबको दोष देना शुरू करते हैं, वो ऐसा है वैसा है। क्या आप खुश रहते तो दोष देते रहते हैं, जब आप प्रसन्न रहते तो दोष देते रहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं देते हैं। पर देखो आपके जीवन में जो समस्याएं है ना, उसको ठीक करने के लिए आपको जीवन के बाहर नहीं जाना है, आपको जीवन में ही ढूंढना है, बस आपको भीतर ही ढूंढना है, वही समाधान है। क्या समाधान है, जिस समय आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिस समय आपको लग रहा है कि ये अंदर से फीलिंग्स अच्छी नहीं है, अब आप सोच लो कुछ ऐसे विचार आपके भीतर चल रहे हैं जो आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहे हैं, कुछ है निश्चित रूप से कुछ है, तो उसको बदल दो। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो चैनल लगाए ना उस समय, जो आप तरंगे चल रही है टीवी के या एफएम के, उसको बदल दो, बस उसको बदल दो। बदल सकते नहीं सकते हैं, आजकल तो आपको उठ के भी नहीं जाना है, आपको क्या करना है, जहां बैठे रहेंगे वहीं से आपको बटन दबाना है, और उसमें तो हाथ भी चलाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर अंदर काम कर लेना है, सही है। अंदर का चैनल बदलने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत, कोई बाहर यंत्र की जरूरत नहीं है, आपके भीतर ही बहुत सारे बटन लगे हैं, बहुत सारे बटन है, लेकिन हमारी समस्या क्या, वही बटन दबाते हैं जिसे दुख मिले, जिसे तकलीफ मिले। एक दिन नहीं समझ बात आई, दो दिन समझ बात नहीं आई, चलो 2 महीना साल भर समझ बात नहीं आई, अब कितने दिन लगेंगे समझने के लिए, मैं बताऊं पूरा जीवन खप जाता है। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, लोग क्या कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी छोटी नहीं है, हम जीने की शुरुआत ही देर से करते हैं, हम जीने की शुरुआत ही देर से करते हैं, लंबा समय बीत जाता है, जीने की शुरुआत ही नहीं कर पाते, सही ढंग से जीने की हमने शुरुआत ही नहीं की है। अब इसके लिए हम किसको दोष देते हैं, दुनिया वालों को, आप प्रसन्न नहीं। मैंने गुरुदेव जी का प्रवचन सुना, कई बार ये बात के साथ दोहराते थे, यदि कोई आदमी प्रसन्न नहीं है इसमें उसी का दोष है, उसी का दोष, हमेशा ध्यान रखना। क्या जब मैं प्रसन्न नहीं हूं तब आप दूसरों को दोष देने के बजाय क्या करना,
बस यही कहना, कहीं तो है मेरी गड़बड़ी, मैं जिम्मेदार हूं, कहीं तो मेरी गलती हो रही है। तो सबसे पहला काम ऐसा कहने से क्या होगा, एक तो दूसरों तरफ से जो ध्यान जा रहा है ना वो हट जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी आप लेंगे तो आप कहेंगे यदि मैं दुखी हो सकता हूं तो मैं दुख को छोड़ भी सकता हूं। क्या बात आएगी, जिस समय आप जिम्मेदारी लेते हैं उस समय क्या होंगे, एक बहुत बड़े आपके अंदर में पावर आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, क्या चुनाव कर रहे हैं। क्यों, अभी तो आप चुनाव नहीं कर रहे, क्यों चुनाव नहीं कर रहे, क्योंकि गलती दूसरी की है। जब वो बदले, आप क्या चाह रहे हैं कि किसी आदमी क्या कह रहे हैं, तू अच्छा व्यवहार कर ताकि मैं सुखी हो सकूं। क्या कर रहे हैं अपने पतिदेव से, क्या कर रहे हैं, तू सही बोल मेरे से ताकि मैं सुखी हो सकूं। ऐसे ही श्रीमती से बोले जा रहे हैं, तू सही तरीके से बोल ताकि मैं सुखी हो सकूं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, इसका मतलब इंडिपेंडेंट, आप उस पर निर्भर हो गए हैं। और जिस समय आप कहते नहीं यहां मैं जिम्मेदार हूं, उस समय क्या होता है, उस समय आप कह सकते यदि उनके व्यवहार से मैं दुखी हो रहा हूं, न कि वो दुखी कर रहा है। बड़ा अंतर है इसमें, बड़ा अंतर है। क्या एक बार किसी समय उदाहरण बताया था मैंने वो कि क्या कहे थे वो, एक भगत फोन किए रहे कि साहब वो आना चाहता था लेकिन क्या बताएं, मौसम परेशान कर रहा है। क्या है? मौसम परेशान कर रहा है, ये आंधी पानी क्या हो? मैंने कहा मौसम परेशान नहीं कर रहा है, आप मौसम से परेशान हो रहे हैं। कहा ही बात सही है, एक नहीं वो परेशान, क्या वो प्रकृति आपके लिए ख्याल कर करी उनको परेशान करना है, मैं मौसम के परिवर्तन से परेशान हो रहा हूं। जब ये आप कहते तो क्या होता है, इसका मतलब है मैं परेशान ना भी हूं, ये भी तो हो सकता है। तो फिर ये आप रिमोट कंट्रोल अपने ऊपर ले लेते हैं, आपके पास हो जाता है। तो क्या होगा, वो दोष नहीं देना है मुझे, अपने विचारों को वहां फोकस करना है जहां सचमुच मेरे लिए सुख के साधन है। और आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटी है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी आप याद करके, अपने जीवन की बातों को याद करके, पुरानी बातों को याद करके, या जिनसे भी लड़ाई हो रही है ना, ज्यादातर होती है अपने ऊपर, दूर की जाने की जरूरत नहीं, लड़ने की दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा आप अमेरिका वालों से लड़ते हैं, कितने लोग लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। कितने लोग प्रधानमंत्री से लड़ते हैं, मुख्यमंत्री से लड़ते हैं। अच्छा सूरत में जो मेयर है उसे कितने लोग लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं ना। किससे ज्यादा लड़ाई होती है, अपने से, अपनों से, सही है, जो बिल्कुल क्लोज है उसे। तो आप ये भी देखिए, कभी उनके साथ में बहुत अच्छा भी रहा, खूब हंसे थे उनके साथ में, खूब मस्त रहे उनके साथ में, उसको क्यों नहीं याद कर रहे हैं, उसको याद कर, ये गुरुदेव जी बहुत अच्छी अच्छी बात करते थे, हर अच्छी बात होती, हर बात उनकी अच्छी होती थी। लेकिन एक बात ख्याल रखिए, शादी के समय तो गुरुदेव जी का जमाना तो थोड़ा और पीछे था, अब तो ज्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी को तो पता था, देखते थे या लोग बताते थे, शादी के समय रिकॉर्डिंग करते थे, फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग आजकल तो, और उसका बहुत बढ़िया एल्बम बना के रखते थे, अभी भी रखते होंगे, रखते थे। अब उस एल्बम को या उस जो रिकॉर्डेड सिस्टम जो बना के रखे हैं, चाहे वो सीडी में या फिर आजकल मेमोरी में, तो उसको रखे रहते हैं। और वो आदमी, वो मेहमान जो शादी के समय नहीं आया था, जब वो घर आ जाते हैं ना, उनको दिखाते हैं, ऐसा करते हैं ना कि ये एल्बम देखो हमारी शादी का, ये देखो देखो ये दृश्य देखो, मोबाइल आजकल तो मोबाइल में दिखाते हैं, जरा देखो ना इसको देखो। गुरुदेव जी क्या कहते थे, इस समय मत दिखाओ, उसको शांत रखे रहो, जब पति और पत्नी लड़ो ना आपस में तो उसी को फोड़ करके देखो, उसी को फोड़ करके देखो, तो शायद लड़ाई खत्म हो जाए। सही है नहीं है, कैसा कैसा वादा कर रहे थे उस समय, वादा भूल गए, भूल गए, उसको याद करो, बड़ा सब ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, आप अपना चैनल बदल सकते हैं, अर्थात
कई बार होता क्या है, जब तक हम शिकायत करते हैं ये नहीं है वो नहीं है, आप क्या करना है, जो है उस पर फोकस करना है, जो आपके पास ऑलरेडी है और जिसको हो, जिसके रहने से आपको खुश होना चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। बस ये क्या बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने मन का वो स्थानांतरित करने के लिए, आपके आपके मन जहां शिफ्ट है ना उसको अलग जगह ले जाकर के शिफ्ट करना, रीशिफ्ट करना है, दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देना है। वो जगह है आपके पास ऑलरेडी, मतलब इसको बस सरल भाषा में कहूं तो जो नहीं है उसके दर जो सोच रहे हो ना उसे हटा करके जो है और जो बढ़िया है उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। शिकायत ना करें। एक व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था। अब व्यापार में कुछ चीज तो होता ही है, घाटा मुनाफा होता ही है। हुआ क्या, किसी कारण से उनको शायद बड़ा नुकसान हो गया था, उसको लेकर के बड़ा इरिटेट था, फ्रस्ट्रेट था, परेशान था अंदर अंदर। तो अब ठीक है, जैसे निकला बाहर, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए बाहर निकल गया, चलो बाहर निकल गया बाहर, थोड़ी सी कुछ चलने लगा। एक भिखारी को देखा भीख मांगते हुए, उसको लगा अच्छा भले मेरा नुकसान हुआ है, भले मैं इस समय दुखी हूं, लेकिन इस भिखारी से तो ठीक हूं। क्या कहा, इस भिखारी से तो ठीक हूं, मैं भीख तो नहीं मांग रहा हूं। अच्छा, उस भिखारी ने क्या सोचा, क्या देखा कि एक बीमार आदमी को देखा, बीमार आदमी को देखा। तो बीमार आदमी को जब देखा, बहुत बीमार था, भिखारी ने क्या कहा, मैं भले ही भीख मांग रहा हूं लेकिन बीमार तो नहीं हूं। क्या कहा था, मैं बीमार तो नहीं हूं, कम से कम मेरे हाथ पर ठीक ठाक, मैं चल करके भीख तो मांग रहा हूं, यानी बीमार है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अब बीमार आदमी अस्पताल पहुंचा, अस्पताल में पहुंचकर क्या देखता है कि एक मरा हुआ इंसान, डेड बॉडी। तो क्या कहता है, मैं भले बीमार हूं लेकिन मैं मरा तो नहीं हूं, देखो ये मर गया है, ये मर गया है, तो जो अब कम से कम मेरा शरीर तो जिंदा तो है, उसके लिए धन्यवाद दो, उसके लिए। और उस विचार ने क्या कहा, कम से कम मैं बीमार नहीं हूं, स्वस्थ हूं, इसके लिए तो धन्यवाद दो, उसके प्रति धन्यवाद देने लगा, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने लगा। तो जो बीमार आदमी था उस मरे हुए इंसान को देख करके, मुर्दा को देख कर क्या कह रहा है, मैं भले बीमार हूं लेकिन मैं जिंदा तो हूं, जिंदा तो हूं, इसलिए इस भगवान को, कुदरत जो भी आप कह दीजिए, कुदरत को मुझे धन्यवाद देना है, आभार व्यक्त करना है। अब देखिए, क्या वो मरा हुआ इंसान किसी को धन्यवाद दे सकता है, कहीं कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता है, नहीं कर सकता है। और यदि आप धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर रहे हैं तो क्या है आप, क्या है आप, समझ रहे हैं, यदि आप जिंदा इंसान हैं तो क्या करना है, जो है उसके प्रति धन्यवाद। और बहुत है, बहुत है, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, आप ऐसे भी शिकायत करने वाले हैं। कई बार उन्होंने बताया है, गुरुदेव जी के पास एक आदमी आया, क्या कहा, साहब जी मेरी आंख बहुत छोटी छोटी है। साहब जी कहते देख पाते कि नहीं देख पाते, ऐसे बोले लोग। गुरुदेव जी के पास एक से एक नमूना आते थे, मैं तो सुन सुन करके बड़ा अच्छा लगता था, जब प्रवचन सुनता था साथ में बैठ करके, क्या कहते थे, एक बार एक आदमी आया, क्या कहता है, साहब जी ये घर वालों को मैं क्या कहूं, मुझे ये डर है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे दफनाएंगे नहीं दफनाएंगे। साहब ने कहा, अरे भले मानुस, अरे नहीं दफनाएंगे तुम्हें क्या मतलब, तुमको गंधाएगा। मतलब सोचिए कि हम दुखी होने के लिए कितना जल्दी मेहनत करते हैं, पता है ना, दुखी होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उतने ही मेहनत आपको सुखी होने में लगता है, समझ रहे हैं ना, आपको उतनी ही मेहनत सुखी होने में ही लगता है। और मैं इसको बढ़ा करके कहूं तो आपको, आपको जो अपने को पतित करने में, बहुत गलत शब्द है, ऐसा नहीं कहना है, लेकिन
अपने को बिगाड़ने में, बिगाड़ने के जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी ही मेहनत, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, उतनी ही मेहनत में आप अपने को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। मेहनत तो दोनों तरफ है, क्या बिगाड़ने मेहनत नहीं? अच्छा बताओ, चोरी करने कोई इंसान जाता है, कम मेहनत है? एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो एक शेठ उधर से गुजरा, क्या भीख मांग रहे हो, रात दिन भीख मांगते हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको 30 रुपया रोज का दूंगा। तो भिखारी ने कहा, मेरे पास बैठो साथ में, 60 रुपया रोज दूंगा। अब तो लगता है कम मेहनत है, कम मेहनत है, भिखारी को भी मेहनत है, सही है कि नहीं? दिन भर, अच्छा उससे बड़ी मेहनत कोई डांट रहे घंटे, चुप, कोई नहीं, चुप, कभी उत्तर नहीं देगा। और हम इतनी सहनशीलता, इतनी सहनशीलता की साधना में लगा दूंगा घर वालों के बीच में, क्या पूछना है, लेकिन नहीं सहना है। मैंने कहा मेहनत उतर ही है ना, लेकिन हम वो मेहनत नहीं करेंगे जिसके लिए मेहनत करेंगे, बिगाड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, बिगाड़ने के लिए नहीं करना है, अब अपने को संवारने के लिए करना है। बिल्कुल सरल सा है जीवन का फंडा, बहुत सरल सा है जीवन का नियम, बस थोड़ा सा समझ लेना है, थोड़ा सा ठिकाना बैठा लेना है, और अपने ही भीतर बदलाव ला करके जीवन में सुख शांति और आनंद का अनुभव करना है। बस इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं बिना किसी के अपने आप में खुश हूं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे खुशी होने के लिए, मैं अपने आप में खुश हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में अकेले में खुश रहता हूं। ये तरीका आपको खोजने की जरूरत है, खोज लेंगे ना।